बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नाज टीवी फूड एंड ट्रैवल। क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं देगी स्टाइल में मटन यानी पुलाव की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है। इसको मैंने बनाया है अपने स्टाइल में और ये बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनकर तैयार होता है। आप इसको दावत वगैरह पर लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले आए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पुलाव को बनाने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि चाम के गोश्त का इस्तेमाल करें, इससे पुलाव बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। हम देगी यानी पुलाव बनाने के लिए मटन चाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस रेसिपी को बगैर पोटली के बनाऊंगी क्योंकि अक्सर लोगों को पोटली बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। हमने 1 किलो मटन ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से धोकर ड्राई कर लिया था। अब इसको मैं प्रेशर कुकर में ऐड कर दूंगी, फिर तमाम स्पाइसेस और खड़े मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। हम इसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 अदद तेजपात, 4 अदद दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद बढ़िया इलायची और 1/2 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च, 2 टीस्पून भर के हमने इसमें नमक डाल दिया, 4 अदद सब्ज इलायची, 1 अदद बादियान का फूल, 5 अदद लौंग, 1 अदद टमाटर और 1 अदद प्याज को रफली काट लिया है, 6 से 7 अदद हम इसमें लहसुन के जवे और 1 अदद इसमें अदरक का टुकड़ा ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप 1 अदद साबुत लहसुन को धो के इसमें डाल दें, इससे गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है, गल जाता है। अब 1 लीटर इसमें पानी ऐड कर देंगे और मटन को वेट लगा लेंगे। आपने 15 से 20 मिनट हाई हीट पर मटन को सिमर कर लेना है। प्रेशर कुकर ठंडा हो गया है, इसको हम खोल लेंगे। मटन को आपने 90% तक टेंडर कर लेना है, यानी हमारा मटन मुकम्मल तौर पर गल गया होना चाहिए। अब मटन को हम अलहदा कर लेंगे प्लेट में और यहनी को हम स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर से। आप देख सकते हैं स्ट्रेनर पर सारे मसाले रह जाएंगे। इन मसालों को आप वेस्ट कर दें और नीचे बाउल में हमें यहनी इस्तेमाल करनी है, इसको हम साइड पे रख देंगे। पुलाव को बनाने के लिए चूंकि हम वक्तन फवक्तन इसमें स्पाइसेस ऐड करते रहते हैं और अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो कुछ स्पाइसेस आपसे मिस हो जाते हैं, जिससे पुलाव का वो फ्लेवर नहीं आएगा जो हम आपको बताना चाहते हैं या आप हासिल करना चाहते हैं हमारी वीडियो देख के। इसलिए काइंडली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा। मटन यानी पुलाव बनाने के लिए हम 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम 1 घंटे के लिए सोक कर लेंगे। यहाँ पे 5 अदद हमने मीडियम साइज के प्याज दिए हैं। आप 3 अदद लार्ज साइज के प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको भरी स्लाइसेस में काट लेंगे पुलाव को बिघाड़ लगाने के लिए। अब आप एक कुंडी ले लें, इसमें 5 अदद सुरख मिर्च को पीस लें। अब इसमें 6 अदद लहसुन के जवे, 1 अदद अदरक का टुकड़ा ऐड करके इसको भी अच्छे से पीस लें। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कड़ाही ले लें, इसमें 3/4 कप तेल ऐड कर दें। ऑयल की जगह आप इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को आप ब्राउन कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल लें गार्निश के लिए। अब इसी प्याज में हम 1 अदद तेजपात और खड़े मसाले ऐड करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसमें सुरख मिर्च अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर देंगे। इसको भी हमने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है। 1 टेबलस्पून जीरा ऐड कर देंगे, इसको हल्का सा फ्राई कर लें। फिर 3 टेबलस्पून इसमें पानी और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दें, 1 अदद टमाटर के स्लाइसेस और 1/2 कप दही ऐड कर दें। दही को आपने फ्लेम को स्लो करके ऐड करना है। थोड़ा मिक्स करने के बाद आप इसमें मटन ऐड कर दें, इसको थोड़ा सा भून लें। 5 से 6 अदद इसमें चॉप की हुई सब्ज मिर्च ऐड कर दें, इसको भी मिक्स कर लें और इसको कवर कर दें 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें टमाटर प्याज और सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और भूनने के बाद ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। 1 किलो चावल में हम 1.5 लीटर और थोड़ा सा ऊपर पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून क्रश की हुई फ्रेश काली मिर्च ऐड कर देंगे। जब यहनी को बॉयल आ जाए तो इसमें सो किए हुए चावल ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं और अगर आपको नमक कम लगे तो आप मजीद इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसको कवर कर देंगे 8 मिनट के लिए और जब चावल फूल जाए यानी चावल विजिबल होना शुरू हो जाए तो चावलों को हल्के हाथों से एक दफ़ा मिक्स कर लें, ज़्यादा स्पून ना चलाएं। 1 टेबलस्पून आप इस पर गरम मसाला ऐड कर दें, थोड़ा सा सब्ज धनिया, ब्राउन प्याज ऐड कर दें जो साइड पे रखा था। 4 ड्रॉप्स के करीब हम इसमें खेड़ा एसेंस लेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और इसको भी हम चावलों पे डाल देंगे, इससे चावलों की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये टोटल ऑप्शनल है। जब चावल में यहनी खत्म हो जाए यानी चावल मुकम्मल तौर पर विजिबल होना शुरू हो जाए तो हम इसको दम लगा लेंगे। दम लगाने के लिए हम एक तवा ले लेंगे। तवे को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है और इस पर चावलों की कढ़ाई हम रख देंगे। 5 मिनट हमने इसको तेज़ आंच पे
दम देना है और 10 मिनट हम इसको स्लो आंच पे दम देंगे, यानी टोटल हम इसको 15 मिनट दम दे देंगे। 15 मिनट के बाद अब हम चावलों को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे चावल माशाल्लाह बहुत अच्छे खिले खिले बने हैं और इसमें गोश्त भी बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, बहुत अच्छे से घल गया है। अब इन चावलों को मैं डिश आउट कर देती हूँ और आप देख सकते हैं कि चावल बहुत अच्छे खिले खिले बने हैं। इसको मैं आपको चेक करके भी बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।